प्लेसमेंट सीधा सा मैं कहता हूँ यार, प्लेसमेंट कौन सी बड़ी बात है। प्लेसमेंट तो आज की डेट में 10 पास है वो भी अपनी प्लेसमेंट कर रहा है कंपनी में, वो भी जॉब कर रहा है, जा रहा है कंपनी में, 20,000-30,000 ले रहा है, 35 भी ले रहा है। प्लेसमेंट के पीछे क्यों भागते भाई? प्लेसमेंट करके करो क्या जिंदगी में आप? आपकी लाइफ तो स्क्वायर नहीं है प्लेसमेंट में। एक नौकर बनोगे, प्राइवेट एम्प्लॉय बनोगे, जहां से आपसे इतना काम करवाया जाएगा सुबह 9 से 5 बजे तक, से शाम को पानी का लोटा ना वो भी नहीं उठाया जाएगा, गिलास तक नहीं उठाया जाएगा। क्यों प्लेसमेंट के पीछे पड़ते हो? आपने गोल ही ऐसे, मैं यही देखता हूँ स्टूडेंट का कि ये कोर्स करूंगा मैं, यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाएगी। और इतनी छोटी सोच लेके चले हो आप कोर्स में कि मैंने प्लेसमेंट करवानी है। क्या प्लेसमेंट के लिए आपने कोर्स ज्वाइन किया है? कुछ बड़ा सोचो, कुछ एग्जामिनेशन फाइट करो तो प्लेसमेंट हो ही जाएगी। प्लेसमेंट के पीछे नहीं भागना होता है, कि डिपेंड करता है आपको, आप मेहनत करोगे प्लेसमेंट क्यों नहीं होगी। कौन सी दुनिया की ऐसी ताकत आपकी प्लेसमेंट को रोकेगी? नहीं रोकेगी आपकी प्लेसमेंट, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। इसलिए सोच को बड़ी रखो, छोटे में तो पहुंच जाओगे। अगर आप महल की सोच रखोगे ना तो आपका घर तो बन जाएगा, अगर आप पहले घर की सोच रखोगे तो आपके कमरे भी नहीं बनेंगे। सोच महल की रखो ताकि घर बन जाए आपका।